नमस्कार, स्वागत है आपका वाइब्रेंसीज पे। संपूर्ण जब ब्रह्मांड की हम बात करते हैं तो आपको पता है पूरा का पूरा ब्रह्मांड 9 ग्रहों से बना हुआ है, 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम जिसे कहा गया है। और हमारा जब जन्म होता है, पूरे मनुष्यों का या सारे जीव जानवरों का जिनका भी जन्म होता है, तो सब किसी ना किसी ग्रह से इन्फ्लुएंस रहते हैं, क्योंकि जिस समय जन्म होता है उनका, उसी समय संसार के ऊपर आकाश के अंदर वो नक्षत्र या राशि का प्रभाव रहता है। उस हिसाब से ही हमारी जन्म कुंडली का निर्धारण होता है। आपकी भी जन्म कुंडली बनी हुई होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं होता, टाइम ऑफ बर्थ का पता नहीं होता, तो उनकी नहीं बन पाती जन्म कुंडली। लेकिन आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि एक ही समय पर जब हम पैदा होते हैं, मतलब एक दिन में, क्योंकि राशियों का नक्षत्रों का प्रभाव एक समय तक रहता है, लेकिन अलग अलग समय पे होते उनकी जन्म कुंडलियां बदल जाती है। तो अक्सर ऐसा होता है, आपने भी देखा है इस चीज को, उस हिसाब से उनका भाग्य भी बदल जाता है। हम जो लेके आए हैं आपके लिए राशि रत्न की अंगूठियां, बहुत डिमांड थी आप लोगों की तरफ से कि हम अलग से लूज रत्न खरीदें, उसको फिर हम चांदी में या पेंडेंट में उसको बनवाएं, तो बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बिल्कुल नेचुरल जेमस्टोन्स की राशि रत्न की अंगूठियां, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एक तो स्टर्लिंग सिल्वर में बनी हुई है और साथ में जो पंच धातु में भी बनी हुई है। आप चाहें तो जिसमें आप चाहें तो सोने में भी जिसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पंडित जी ने कहा है कि उसको अष्ट धातु में बनाना है तो आप उसमें भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि पंच धातु होती क्या है। पंच धातु जनरली हर एक के लिए रिकमेंडेड नहीं होती, लेकिन पंडित जी जब आप बताते हैं आपकी कुंडलियों को देख के कि आपको अंगूठियों का निर्माण पंच धातु में करना है, तो पंच धातु का मतलब होता है जिसमें 5 धातुएं हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक और आयरन। इसी तरह जब हम अष्ट धातु की बात करते हैं तो उसमें 5 तो ये हैं, साथ में टिन होता है, मर्क्यूरी होता है और लेड होता है उसके साथ में, तो वो अष्ट धातु हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एक ऐसे रत्न के साथ, एक ऐसे ग्रह के साथ, एक ऐसे देवता के साथ जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं, और वो है बृहस्पति ग्रह। पुखराज जिनका कारक है, कारक रत्न है पुखराज उनका, देवगुरु बृहस्पति। मैं पहले आपको रिंग दिखा देता हूँ, उसके बाद में आपको बहुत सारे इनके बेनिफिट्स भी बताता जाऊँगा। तो 2 रिंग्स हैं हमारे पास, जो कॉम्बिनेशन है 7.5 रत्ती में, 7.5 रत्ती में। तो पहले मैं आपको स्टर्लिंग सिल्वर की रिंग दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए पुखराज की रिंग स्टर्लिंग सिल्वर के अंदर। आप 7.5 रत्ती में लेना चाहें आप 7.5 रत्ती में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, आप 7.5 रत्ती में लेना चाहें आप 7.5 रत्ती में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये पूरा स्टर्लिंग सिल्वर में इसका निर्माण हुआ है, और ये टच भी कर रही है आपकी स्किन को, क्योंकि जब आप ऐसे पहनते हैं तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है ये आपकी स्किन को टच करना चाहिए, तो पूरा टच भी कर रहा है आपकी स्किन को। पूरा का पूरा स्टर्लिंग सिल्वर में इसका निर्माण किया हुआ है, और निर्माण देखिए आप बहुत ही बेहतरीन कारीगरी के साथ में। 7.5 रत्ती की जो कीमत है वो है 11,025 रुपए, आपकी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप, और 7.5 रत्ती की कीमत है 8,525 रुपए। बहुत वाजिब कीमतें हैं, जेन्युइन पुखराज है स्टर्लिंग सिल्वर के अंदर। अब मैं आपको दिखा रहा हूं पंच धातु के में, ये देखिए ये है पंच धातु में, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक और आयरन मिक्स है, ये पंच धातु में पुखराज का। देखिए ट्रांसपेरेंसी, देखिए आप पुखराज में पानी की, जो मैं अक्सर बात करता हूं ट्रांसपेरेंसी की, वो देखिए, कलर देखिए, लस्ट्रस गोल्डन कलर जिसे कहा जाता है। और ये भी हमारी सारी जो राशि रत्नों की अंगूठियां हैं, अलग अलग राशियों को जो निर्धारित करती है, वो सारी की सारी टच होती हैं आपकी स्किन पे। फिनिशिंग देखिए, कहीं भी आप साड़ी भी पहने तो भी कोई दिक्कत नहीं, शर्ट पहने, मतलब बिल्कुल स्मूथली आप इनको ले सकते हैं। आपका साइज जब आप वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करें तो अपना साइज जरूर मेंशन कर दीजिएगा ऑर्डर चेकआउट पेज के ऊपर, जिस भी साइज में आप बनवाना चाहें हम आपके लिए वो निर्माण कर देंगे उस चीज का। तो चलिए, ये तो मैंने आपको रिंग्स दिखाई, अब मैं इनके फायदों की आपसे बात करता हूं। देवगुरु बृहस्पति जो है वो हमेशा साथ देते हैं जीवन में,
यश हो गया, अगर आपको यश नहीं मिल रहा है, आपको धन संपत्ति की कमी हो रही है, या आपकी पढ़ाई सेटिंग से नहीं हो पा रही है, आप एजुकेशन लाइन के अंदर हैं, आप सरकारी कार्य के अंदर हैं, तो आपको पहनना बहुत ही उत्तम बताया गया है पंडितों ने। क्योंकि जब इसको पहनते हैं तो आपके मन में सद्विचार आ जाते हैं, सद्विचार आ जाते हैं, आप अच्छा कार्य करते हैं, आप पढ़ाई की तरफ भी ध्यान रहते हैं, धर्म की तरफ आपका ध्यान रहता है, आप किसी भी धर्म की निंदा नहीं करते हैं, तो जीवन में आपको आगे ही बढ़ना है। और देवगुरु बृहस्पति का मतलब होता है पुखराज जिसके कारक रत्न हैं, कि जीवन में आधिपत्य, आप पे अधिकार भी आ जाता है, कंट्रोलिंग कहते हैं कंट्रोलिंग स्टेक भी आ जाता है। ऑफिस में आप हैं, आपके पीयर सबॉर्डिनेट से आपकी नहीं बन रही तो भी ज्योतिषी आपको रिकमेंड करते हैं इसको पहनने के। अगर पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छे संबंध आपको बनाने हैं आपकी पत्नी के साथ, और पत्नी है तो आपके पति के साथ, तो भी देवगुरु बृहस्पति का ये रत्न बहुत ज़्यादा फलदायी होता है आपको। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं आपके क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आजकल, बहुत प्रेशर्स रहते हैं, तो भी बृहस्पति का इस रत्न को रेकमेंड किया जाता है। और एक खास चीज़ जनरली साउथ इंडिया में मैंने देखी ये वाली चीज़, हालांकि नॉर्थ इंडिया में भी है, कि अगर लेडीज़ की कन्याओं की शादी नहीं हो रही होती है तो उनको देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण कराया जाता है। क्योंकि ये विवाह, जो विवाह में जो विलंब होता है, अकारण विलंब होता है, कारण से नहीं, अकारण जो कोई विलंब हुआ हो तो उसको भी कम करके ये सही समय पे विवाह करने की एक गति निश्चित कर देता है, ऐसी मान्यताएं हैं। ये सारी की सारी जो मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ, ये सब के सब मान्यताएं हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, जिसका आप अपने पंडित जी से पूछ सकते हैं, आपके लर्नर्ड एस्ट्रोलॉजर से उनसे पूछ सकते हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से उनको दिखा सकते हैं आप उनको। तो इतना बेहतरीन रत्न, सारे राशि रत्नों में जो सबसे ज्यादा कमांड करता है वो देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज। आपकी स्क्रीन पे हमने सब चीजें दिखा दी आपको, हमारे पास दो में उपलब्ध है ये, स्टर्लिंग सिल्वर के अंदर 7.5 रत्ती 5.25 रत्ती में, और साथ में पंच धातु के अंदर। आपको अगर सोने में बनवाना है आप सोने में भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आपको अष्ट धातु में बनवाना है तो आप उसमें भी प्लेस कर सकते हैं। आप हमसे कोटेशन ले लीजिएगा, हमारी वेबसाइट पर जाके वहां पर चेक कर लीजिएगा और फिर हम आपके लिए मैन्युफैक्चर कर देंगे। चलिए अब जो मैं रत्न की बात करता हूं वो है नीलम, शनि का रत्न। शनि के नाम से डर लग जाता है ना, डरने की कोई बात नहीं। अगर आपने मेरा कोई दूसरा वीडियो देखा हो जिसमें मैंने कहा था कि शनि देवता से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको, आपका मन साफ होना चाहिए। शनि मांगता है परिश्रम, जीवन के अंदर परिश्रम करें, माता पिता की आप सेवा करें, बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखें आप, और सच बोलें, झूठ नहीं बोलें, तो शनि देवता हमेशा आपके साथ है। और शनि देवता का रत्न नीलम के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि ये राजा से रंग और रंग से राजा बना देता है। कौन नहीं चाहता रंग से राजा बनना, इतने चमत्कारिक लाभ बताए गए हैं शनि के रत्न को, नीलम का। दिखाता हूं आपको, फिर और बातें करेंगे इसके बारे में। तो पहली जो अंगूठी है ये देखिए, ये है नीलम की अंगूठी, आप देख रहे हैं नीलम की अंगूठी स्टर्लिंग सिल्वर के अंदर 7.5 रत्ती और 5.25 रत्ती दोनों में उपलब्ध है। 7.5 रत्ती की प्राइस है 7,400 और 5.25 रत्ती की प्राइस है 5,900। प्राइस आपकी स्क्रीन पे भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं, और पूरी टच करती है आपकी स्किन को, आप देख रहे हैं ये वाली है रिंग स्टर्लिंग सिल्वर के अंदर, बहुत ही सुंदर आप देख रहे हैं नीलम इसमें। अब मैं आपको इसमें, क्योंकि कुछ लोगों को ज्योतिषी पांच धातु में भी बताते हैं, सोने में भी बताते हैं, वैसे इसका विधान चांदी में पहनने का ही है, लेकिन ठीक है आपकी कुंडली के हिसाब से बताया जाता है। तो ये देखिए पंच धातु के अंदर सोने 22 कैरेट की गोल्ड की प्लेटिंग है इसके ऊपर पंच धातु में भी, ये आप देखिए ये है नीलम। इसकी प्राइस आपकी स्क्रीन पे है 9,275 और 7,775, 7.5 रत्ती और 5.25 रत्ती का, मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगी इन कीमतों पे आपको, हमारी गारंटी। जेन्युइन राशि रत्न है, बिल्कुल नेचुरल राशि रत्न है, और सारा जो मेटल और अलॉयज का इस्तेमाल किया गया है सब जेन्युइन है, कोई खोट नहीं है कहीं भी, और परफेक्ट 5.25 रत्ती में और 7.5 रत्ती में इनको डिजाइन किया गया है, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं।
पहनना आपको शनिवार के दिन है, शनिवार के दिन मॉर्निंग में आपके मंदिर जाके आप इसको धारण कर सकते हैं। पूरी अलग विधि है इसकी बताने की, वो मैंने अलग वीडियोस में भी आपको बता रखा है। और इससे पहले जो मैंने येलो सफायर बोला वो बृहस्पतिवार के दिन आपको पहना तर्जनी उंगली में, और ये जो शनि की अंगूठी है इसको आपको पहनना है शनिवार के दिन मिडिल फिंगर के अंदर, इस वाली फिंगर में, सबसे बड़ी फिंगर जो होती है राइट हैंड के अंदर। तो चलिए इनके जब फायदे की हम बात करते हैं, अगर आप लोहे के कारोबार में हैं, इलेक्ट्रिसिटी का आपका व्यापार है, लोहे से कनेक्टेड कोई भी चीज़, मशीनरी हो गया, टैक्सीज का आप बिजनेस करते हैं या बसेस का बिजनेस करते हैं या इवन ट्रेवल एजेंसी भी है आपके, एंटायरली लोहे से रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड आप जिस भी कार्य में हैं, उसके साथ साथ अगर आप लकड़ी के क्षेत्र में भी हैं, लकड़ी का कार्य है आपको, मान लीजिए कि आप कारपेंटर है फॉर डैट मैटर, या फिर आप का लकड़ी का गोदाम है, आप बिजनेस करते हैं, तो भी आपको बहुत फलदायी होता है ये। और जिनको फलदायी होता है उनके तो वारे नारे हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन साहब को तो आपने देख ही रखा है, उन्होंने पहले एक नीलम धारण किया था, बाद में इतना सूट किया कि उनके दिन फिर गए, तो उन्होंने दूसरा नीलम और धारण कर लिया। आप देख लीजिए और भी बड़ी बड़ी बॉम्बे की सेलिब्रिटीज जो होती हैं वो धारण करती हैं इनको। ब्लू सफायर बहुत चमत्कारिक रत्न माना गया है, एक बार पंडित जी से भी पूछ लीजिएगा आप पहनने से पहले, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनि देवता का रत्न है, बहुत ज़्यादा फायदा देता है, नुकसान भी होता है। देखिए अगर आपको लगता है कि नहीं फायदा कर रहा तो आप उतार लीजिए, और मैं रिकमेंड ये करूँगा कि खासकर नीलम के लिए कि आप एक बार पंडित जी से पूछ के विचार विमर्श करके ही इसको, इस रत्न को आप पहनिएगा। उसके अलावा अगर शनि देव की हम बात करें तो पैरों के निचले हिस्से में हड्डियों का जो एरिया, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारियां होती है, पैरों में दर्द होता है, और कहते ना एक सर्टन एज के बाद चलना फिरना बहुत कम हो जाता है क्योंकि बहुत दर्द होता है, कमर में बहुत दर्द होता है, पीठ में बहुत दर्द होता है, तो शनि कारक है इन सब का। साढ़े साथी आपके लगी हुई है, शनि के ढैया आपके लगी हुई है, क्योंकि साढ़े साथी का एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर आदमी पूरा गोल 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 घूम जाता है, नहीं चाहते हुए भी वो कार्य कर लेता है जो उसने सोचा भी नहीं था। तो और साढ़े साथी जीवन में सबके आती है, मैं भी अछूता नहीं हूँ, मेरा भी समय निकल चुका है, आपके आई है या आने वाली है ये आपको पता है इस चीज़ का। तो साढ़े साथी के समय नीलम की अंगूठी पहनना बहुत ज़्यादा लाभदायक माना गया है। शनि की ढैया जो होती है, ढाई ढाई साल की ढैयाएँ होती है, साढ़े साथी उसको बोलते हैं, साढ़े सात साल का जो पीरियड होता है इसमें। शनि के आपको दशा लग रही हो महादशा में तो इसको पहनना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो बहुत सारे फायदे हैं इसको पहनने के। तो इस रत्न को बेस्ट क्वालिटी के जो हम कह रहे हैं आपको, जेन्युइन नीलम, हमारी वेबसाइट vibrancies.com से आप ले सकते हैं, और प्राइसेस आपने देख ही रखी, इतनी फैंटास्टिक प्राइसेस आप बाजार में भी बनवाने जाएंगे तो आप जिसको भी देते हैं रत्न, मान लीजिए आपके नॉन ज्वेलर ये, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, या इवन आपके कारीगर ही, अब उसने कई बार रत्न बदल दिया तो, वेट में ऊपर नीचे कर दिया तो, मेटल में खोट मिला दी तो किसको पकड़ेंगे आप। लेकिन जब आप वाइब्रेंसी से लेते हैं तो हर चीज़ की गारंटी होती है आपकी। मेटल की अगर हम बात करें, स्टर्लिंग सिल्वर और पंच धातु, तो परफेक्ट प्रपोर्शंस में वो होता है, जेन्युइन रत्न होते हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम बात करेंगे आपसे पन्ने की। एमरल्ड बुध ग्रह का रत्न है, बुध ग्रह कहते हैं चंचल ग्रह है। दिखाता हूं इसको और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। पहली रिंग जो मैं ले रहा हूं ये है स्टर्लिंग सिल्वर में डिजाइन करी हुई, ये देखिए 7.5 रत्ती 5.25 रत्ती दोनों में उपलब्ध है। 7.5 रत्ती की कीमत है यहां पे स्टर्लिंग सिल्वर में 11,025 रुपए, और 5.25 रत्ती की कीमत है 8,525 रुपए, और इसी तरह से पंच धातु की रिंग की में कीमत है 10,400 रुपए तो 5.25 रत्ती के, और 7.5 रत्ती के 12,900। ये देखिए स्टर्लिंग सिल्वर में पन्ने को देखिए आप, असली पन्ना है, जाम्बियन माइंस का असली पन्ना है ये। आप देखिए मैं पूरी दिखा रहा हूँ आपको आगे से पीछे तक, यहाँ टच होता है ऑब्वियसली, इस तरह से पहना जाता है ये, तो टच हो रही है इसके अंदर, ये स्टर्लिंग सिल्वर के अंदर है। इसको सोने में स्टर्लिंग सिल्वर के अंदर, चांदी में, सोने में, पंच धातु अष्ट धातु में, जैसे आपके पंडित जी बोले उस तरह से
आप पहन सकते हैं, नहीं तो शौकिया भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको पहनने में, पन्ने में आपको सिर्फ नीलम पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है, बाकी किसी भी रत्न को आप पहन सकते हैं इसमें। अब मैं इसमें आपको पंच धातु दिखा रहा हूं, ये देखिए पंच धातु के, फिनिशिंग देखिए आप, तो आपने कोई राशि रत्न की अंगूठी पहन रखी, क्या फिनिशिंग है क्या आप में उसमें? देखिए चाहे अंगूठियां पहने या कोई भी ज्वेलरी पहने, फिनिशिंग तो होनी चाहिए ना, पैसा दिया है आपने, मेहनत का पैसा है आपका। ये देखिए टच होता है आपकी स्किन को, और हमारी यहां पे सील भी है, ब्रांडेड वाइब्रेंसीज भी लिखा हुआ है उसके ऊपर, आपको इस कैमरे में नहीं दिखेगी वो, क्लोज शॉट में अब आपको ये देखिए आप, मतलब यहां पे वाइब्रेंसीज भी लिखा हुआ रहता है इसमें, मतलब पूरा ब्रांडेड राशि रत्न है। चलिए पन्ने की जब हम बात करते हैं तो बुध ग्रह का रत्न है, बुध ग्रह कारक है बुद्धि के, वणिक आप हैं, बिजनेसमैन आप हैं या मीडिया क्षेत्र में है तो आपको इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एक बिजनेसमैन का एम क्या होता है कि अच्छी तरह से वो बिजनेस करें, दिन रात पैसा कमाएं। ऐसे जो फैशन के तरफ के रहते हैं या सेलिब्रिटीज रहती हैं या मॉडलिंग के साइड में रहते हैं, उनका क्या रहता है, ग्लैमरस एरिया रहता है, ग्लैमर में रहे वो भी बहुत सारा ढेर सारा पैसा कमाए और हमेशा कहते हैं लाइमलाइट में रहे। तो ये एक ऐसा रत्न है, बुद्धि का रत्न है बुध ग्रह का, मर्क्यूरी जिसे कहते हैं, जो आपके अंदर वाणी पे संयम देता है, मतलब आप एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, मेरा बुध ग्रह बहुत तेज है, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं सामने वाले को, और एक सेलिब्रिटी के रूप में आप अपने आप को प्रसिद्ध कर सकते हैं। तो आप आर्टिस्टिक एरिया में हैं, म्यूजिक है, डांस है, पेंटिंग है, इस तरह के जो भी प्रोफेशंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपको, आपको लाभ मिलेंगे, बिजनेस आपका दिन रात चौगुनी उन्नति करता है। ये सारी मान्यताएं हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है। आपको नहीं, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है सुनने में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके घर में जो आपके बुजुर्ग हैं, आपके नानी दादी जो भी, उनसे पूछ लीजिए आप, आपके पंडित जी से पूछ लीजिए, वो जो कहेंगे वो तो सच होगा ना। तो ये है बुध ग्रह के इतने सारे फायदे। अगर आप पढ़ाई में हैं, आप हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर आईआईटी की, मेडिकल की, आईएएस की, तो आपको एक टक होके पढ़ना पड़ता है, नए नए विचार आने चाहिए आप में, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन आना चाहिए आपको, क्योंकि बुध ग्रह रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिक्स को भी, गणित को भी, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से करने की एबिलिटी, वो सब इस रत्न में आती है, पन्ने रत्न में। मेरे खुद के भांजे को जब उसका सीए में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, उसको हमने पन्ने की अंगूठी पहनाई थी स्टर्लिंग सिल्वर में, चांदी के अंदर, और साल भर बाद उसका सिलेक्शन हो गया। मेहनत तो थी उसकी, लेकिन मेहनत के साथ जो एकाग्रता उसको मिली, जो ईश्वरीय दैवीय शक्ति उसको मिली, वो पन्ने से मिली। देखिए मेहनत के बिना जीवन में कुछ भी कार्य नहीं होता। ये रत्न आप पहन लेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, अच्छी सोच नहीं रखेंगे, सच जीवन नहीं जिएंगे, तो जीवन में ये रत्न क्या, कोई रत्न आपको सूट नहीं करेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत के साथ साथ कुछ अदृश्य शक्तियां भी होनी चाहिए, देवों की कृपा होनी चाहिए आपके पर, तब आप, जिसको कहा जाता है लकी, आप बहुत जल्दी बन जाते हैं। आपको जितना जीवन में लिखा है वो तो आपको मिलेगा, लेकिन कुछ को बाद में मिलता है, कुछ को पहले मिलता है। ये सारे राशि रत्न जितने भी होते हैं, जितने भी राशि रत्न हैं, ये सारे एक्ट करते हैं कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट होता है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कैटलिस्ट वो होता है कि जिसको किसी भी सब्सटेंस में डाल देते हैं तो उसका रिएक्शन तेज कर देता है वो। तो ये सारे राशि रत्न एक्ट करते हैं कैटलिस्ट की तरह। यही तो चाहिए आपको, मेहनत तो आप कर ही रहे हैं। तो इतने सारे फायदे हैं पन्ने रत्न को पहनने के, अवेलेबल हमारी वेबसाइट vibrancies.com पे स्टर्लिंग सिल्वर के अंदर, या फिर आप पंच धातु में, और गोल्ड में आपको चाहिए तो आप कोटेशन हमसे ले सकते हैं, अष्ट धातु में भी चाहिए तो कोटेशन आप हमसे ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लूज रत्न भी चाहिए, मान लीजिए आपको खुद को बनवाना है, आपको ऑर्नामेंटल ज्वेलरी बनानी है या राशि रत्न की कोई नई डिज़ाइन आपको बनवानी है, तो आप स्वयं भी निर्माण कर सकते हैं। हमारे पास लूज रत्न भी है, हर तरह की वैरायटी है हमारे पास, लोअर से मीडियम से हाई एंड तक की, इसलिए कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अब जो बात करता हूं मैं नेक्स्ट, सूर्य देवता, सूर्य का रत्न, सूर्य का रत्न होता है माणिक। सूर्य देखिए जीवन में हमेशा उजाला करते हैं,
हमेशा उजाला होना चाहिए। वो उजाला आता है आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे, आपके मन पे, आपके मस्तिष्क में। तो एक ऐसा रत्न माणिक करेंगे उसके बारे में बात। एक बार आप स्टोन देख लें पहले। पहला पीस मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे स्टर्लिंग सिल्वर का, रूबी माणिक स्टर्लिंग सिल्वर में 7.25 रत्ती और 5.25 रत्ती दोनों में उपलब्ध है। और स्टर्लिंग सिल्वर में इसकी कीमत है देखिए 5.25 रत्ती की 5,900 तैयार रत्न के साथ, इसकी बात कर रहा हूं अंगूठी की, और 7.25 रत्ती में कीमत है 7,400। ये तो आपको स्टर्लिंग सिल्वर में मैंने आपको बताई, वही टच करेंगे सारे रत्न, फिनिशिंग क्वालिटी हर एक चीज देखिए। आपको जो भी आपको साइज चाहिए वो हमारी वेबसाइट पे जाके vibrancies.com पे जाके आप ऑर्डर चेकआउट पेज अपना साइज मेंशन कर दीजिए, क्योंकि साइज देखिए 10 साइज से लेके और 20 25 30 साइज तक रहता है। तो आपको जो भी साइज चाहिए वहां लिख दीजिए ऑर्डर कमेंट्स पेज पे कि मेरे को ये वाला साइज चाहिए, उस साइज में निर्माण हो जाएगा इसका। नहीं तो आप हमारे चैनल पे वाइब्रेंसीज हिंदी पे भी आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, वहां से भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आपको वो सुविधा भी प्रदान कर दी जाएगी। अब मैं जो दूसरी आपको दिखा रहा हूं यहां पे, ये है पंच धातु के अंदर, ये पंच धातु में माणिक। पंच धातु मतलब जिसके अंदर पांच धातुओं का मिश्रण है, गोल्ड सिल्वर कॉपर जिंक और आयरन। ये देखिए फिनिशिंग देखिए, क्वालिटी देखिए, आप सब टच करती हैं आपकी बॉडी को, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टच करने का एक चीज और आपको बता दूं, आप ये मत समझिए कि कोई भी स्टोन जब आप पहनेंगे तो आपको सीधे टच करेगा, नहीं। होता क्या है, जब आप रिंग को यूं इस तरह से पहनते हैं, मैं आपको दिखाऊं, जब आप यूं पहनते तो यूं पहनते पे इस रिंग का आउटर फोर्स लग के ये वाला पोर्शन जो है ऊपर का, ये ऊपर हो जाता है बिल्कुल। ये ऑटोमेटिकली सबके साथ होता है ऐसा, तो जब ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली टच कर जाती है उसके साथ, ये होता है टचिंग फिनोमेना इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि हम स्टोन की गर्डल को इतना डीप कर देंगे कि आपको हर्ट करने लगे, ऐसे स्टोन्स का निर्माण नहीं करते हैं हम वो करते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो, जिसका आपको फायदा हो। जेन्युइन राशि रत्न है जो हम आपको दे रहे हैं और जेन्युइन मेटल के अंदर। प्राइस आपकी, प्राइस मैं बता देता हूं आपको, पंच धातु में भी 7,775 रुपये है 5.25 रत्ती की और 9,275 रुपये 7.25 रत्ती की। चलिए माणिक के फायदे बता देते हैं। माणिक को पहनना है आपको संडे के दिन शुक्ल पक्ष के समय में, रिंग फिंगर के अंदर, इस वाली फिंगर में, राइट हैंड में। पति पत्नियों के बीच में अक्सर होता है मन मुटाव रहता है, बहुत ज़्यादा मन मुटाव रहता है। किसी समय में रोमांस शुरू हुआ था, लव शुरू हुआ था, वो पता नहीं कब झगड़ों में परिवर्तन हो जाता है, पता नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के साथ होता है, 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। तो उस केस में आप देखिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं वीक होगा। सूर्य की दशा में जब आप इसको पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा रहता है आपको। तो अगर पति पत्नी के बीच में नहीं बन पा रहा हो, अगर आपका कहते हैं ना कि आपका लव प्रेम और रोमांस गायब हो गया हो, तो भी इसको पहनाया जाता है, अट्रैक्शन के लिए इसको पहनाया जाता है। सरकारी अगर नौकरी में आप हैं, क्योंकि सरकार में होता क्या है कि सरकार रिप्रेजेंट करती है, सूर्य रिप्रेजेंट करता है सरकार को, तो जब आप पहने तो आप देखें, अगर आपके बार बार पंगे हो रहे हो सरकारी एजेंसियों के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में, तो आप देखें आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं सन वीक पोजीशन पे होगा, तभी जाके होता है, अदरवाइज नहीं होता कभी भी। उस केस में इसको पहनना बहुत ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। और भी बहुत सारे इसके फायदे होते हैं, सब मान्यताएँ हैं, लेकिन हमने खुद ने प्रैक्टिकली देखा है लाइफ में। मैं भी पहले पहनता था जब मेरा सन वीक था, अब मेरा वीक नहीं है, क्योंकि हर एक रत्न की एक सर्टेन उम्र होती है, 3 साल मैक्सिमम एज होती है हर एक रत्न की। तो मेरा वो समय निकल गया, तो मैंने उतार दी उस अंगूठी को। ऑर्नामेंटल पहनना चाहे पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था सूर्य का। अब जो लेके आ रहा हूं मैं आपको, वो लेके आ रहा हूं मूंगा, रेड कोरल, असली रेड कोरल, जेन्युइन रेड कोरल। तो ये भी दो में निर्माण है जो मैंने आपको बताया। देखिए चमक देख रही है रेड कोरल की, इटालियन रेड कोरल है, इटली का। मार्केट में धोखा मत खाइएगा, बहुत लोग लकड़ी पकड़ा देते हैं लकड़ी पे पेंट करके, पता भी नहीं पड़ता आपको इस चीज का। लेकिन हम इटली के समुद्र से लेके आए, माइंस नहीं होती, समुद्र होता है, क्योंकि एक तरीके से लकड़ी होती है ये, कोरल रीफ्स जो आती हैं ये। ये देखिए कोरल स्टर्लिंग सिल्वर के अंदर, आप देख सकते हैं इसको 5.25 रत्ती में है ये स्टर्लिंग सिल्वर में। इसकी कीमत है 5,900
और सवा सात रत्ती में कीमत है 7400। और ऐसे ही मैं आपको पंचधातु में भी दिखा देता हूं इसको, आप चाहें तो सोने में भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए, तो पंचधातु में इसकी कीमत है 7775 और सवा सात रत्ती में 9275। प्राइसेस में हो सकता है मेरे भूलने में, माफी चाहता हूं, उक चूक हो गई हो, तो आप स्क्रीन पे जो आपकी प्राइस आ रही है उसको फाइनल मानिएगा आप। ये देखिए कितनी सुंदर क्वालिटी के साथ में इसका निर्माण किया हुआ है, बहुत ही अद्भुत स्टोन है रेड कोरल मूंगा। एक अन्य वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, वो आपने देखा होगा, रेड कोरल मूंगा। मूंगा जनरली अगर आपके मंगल दोष है, कुछ दोष जिसे बोला जाता है, तो इसको जरूर पहनाते हैं। मांगलिक आप हैं तो इसको पहनाते हैं आपको। देखिए तीन ग्रह होते हैं, शनि राहु, इनफैक्ट चार अगर मैं कहूं प्रिसाइजली, शनि राहु केतु और मंगल, उसमें तीन बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, शनि राहु और मंगल। हर किसी की कुंडली में ये तीन ग्रह भूचाल मचा सकते हैं, किसी भी स्थिति में भूचाल मचा सकते हैं अगर एक जगह स्थित हो जाए तो। ये कोरल एक ऐसा जेमस्टोन है जो मंगल का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्स प्लैनेट, और मार्स का मतलब होता है एनर्जी, एग्रेसिवनेस। अगर आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, फायर फाइटिंग में हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज के अंदर हैं, स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन किस चीज के, एथलीट्स, हाई रनिंग एथलीट्स, स्पीड से मोटर कार रेसिंग के अंदर है, तो ये रत्न आपके लिए, क्योंकि आपको एक गति प्रदान करता है, आपकी एनर्जी बढ़ाता है ये। अगर आप जीवन में ये देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी बहुत कम होती जा रही है, बहुत कहते हैं लिथार्जी, लेजीनेस फील कर रहे हैं आप बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी, फिजिकल एनर्जी हो गई आपकी, बॉडी एनर्जी हो गई, सेक्सुअल एनर्जी हो गई, किसी भी तरह की एनर्जी आपकी कम हो गई, तो इस रत्न का धारण कराया जाता है। कुछ दोष है आपको, कुछ दोष जो साउथ में कुछ दोष जिसको बोलते हैं, मंगल दोष आपका है, तो भी इस रत्न को पहनाया जाता है। इस रत्न को पहनने से धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे आप में एनर्जी आने लगती है। मेहनत आप करते रहिए लगातार, बिना मेहनत के लाइफ में कोई भी कार्य नहीं होता, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। आज मैं भी आज आपको इन चीजों के बारे में बता रहा हूं, तो मैं मेहनत ही तो कर रहा हूं आपके लिए, अदरवाइज मैं सिंपली ले जाके और लोग जैसे करते हैं अंगूठियां दिखा देते हैं, पेंडेंट दिखा देते हैं और कुछ बोलते नहीं, क्योंकि बोलने की शक्ति नहीं होती उनमें, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से मेहनत आपको भी करनी है अपने जीवन में। आप जिस भी एरिया में, खासकर इन फास्ट मूविंग एरियाज के अंदर, आर्मी में है, पुलिस के अंदर है, या फिर मोटर कार रेसिंग के अंदर है, फायर फाइटर्स हैं आप, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, उनको बहुत ज़्यादा फलदायी हो गया। या फिर लाइफ में घर में बच्चे होते हैं, आपके पति बहुत लेजी हो गए हैं, वाइफ बहुत लेजी है, बच्चे बहुत लेजी है, तो भी उनको पहनाया जाता है। पंडित जी को दिखा दीजिएगा आपकी कुंडली, उसके बाद आप धारण कर सकते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव बताऊं आपको मैं, क्योंकि ये इतना फास्ट एक्टिंग जेमस्टोन होता है नीलम के बाद, कि शादी के मैं बताता हूँ मेरा अनुभव आपको, कि शादी के बाद मेरे को एक रिंग थी कोरल की, मूंगे की, वो मेरे को धारण करने के लिए दी। मैं उस समय समझता नहीं था इन चीज़ के बारे में, तो मैंने जब उसको पहना तो कुछ दिनों तक तो सही काम किया, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया कि ऑफिस में तो मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ, लेकिन घर आते ही मैं झगड़ा करना शुरू कर देता हूँ, जबकि मेरा नेचर बिल्कुल भी नहीं है झगड़ा करने का। मैंने कहा चेंजेस क्यों हो रहे हैं मेरे में, ऐसा क्या हो रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे में चेंज। 10 से 6 बजे तक का टाइम जो कि जनरली ऑफिस का होता है, उस दौरान तो मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर एक से इजी कूल, लेकिन घर आते ही मेरे में परिवर्तन, और परिवर्तन भी किसके, वाइफ के साथ झगड़े होने लग जाते थे किसी ना किसी बात पे अकारण, नो मैटर व्हाट, कोई रीजन ही नहीं होता था, और बाद में मैं सोचता था उनका कोई रीजन नहीं था, फालतू में उलझ पड़ा। तो कुछ दिनों तक ये चला क्रम, मैंने रियलाइज किया कि मैंने तो कुछ गलत किया होगा तभी हो रहा है ऐसा। तो मैंने फिर देखा, मैंने एक रेड कोरल की अंगूठी पहन रखी थी, उस अंगूठी को जब मैंने उतारा वापस घर के पूजा के स्थान पे, उतार के वहाँ पे रखा, क्षमा मांगी मैंने देवताओं से, हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई हो, और उसके 4-5 दिन बाद, क्योंकि असर को सब्ड्यूड होने में भी समय लगता है, 4-5 दिन बाद के बाद मैं अपने आप बिल्कुल ठीक होने लग गया, जो पहले मेरा नेचर था। इसका प्रभाव मैंने खुद ने देखा है, माणिक का प्रभाव मैंने देखा है, पन्ने का प्रभाव मैंने देखा है। तो ये मतलब आपको बता रहा हूँ, इतना फास्ट एक्टिंग जेमस्टोन होता है नीलम के बाद ये वाला। इसमें एक और चीज़ है, जनरली मार्केट में होता क्या है, मार्केट में आपको ये मिलता है खासकर मूंगा कैप्सूल की शेप में। पहली तो बात आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको लकड़ी नहीं दे दें कोई,
कहीं आप सस्ते के चक्कर में पड़ जाएं। वो कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, तो कहीं वो नहीं हो जाए आपके। क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे क्लेम करते हैं यूट्यूबर्स भी कि हम तो आपको राशि रत्न बहुत सस्ती कीमत पे दे देंगे। अब उनसे सोचिए, माइंस से कच्चा माल ही नहीं आता उस कीमत पे, वो कैसे दे पा रहे हैं आपको? प्रैक्टिकल नहीं है ना। आपको थोड़ा, आपको भी समझना पड़ेगा, थोड़ा ज्ञानवर्धन आपको भी करना पड़ेगा कि यार इतना सस्ता कैसे दे सकता है, जब रफ ही नहीं आती तो कैसे सस्ता दे देगा वो। लेकिन हम जो लेते हैं सीधे माइन से लेके आते हैं, दूसरे जेमस्टोन्स हमारी फैक्ट्रीज पे कट एंड पॉलिश करते हैं। कोरल के केस में जो मूंगा है वो हम इटली के समुद्र से लेके आए हैं, कोरल रीफ्स जो वहाँ पे हैं, और फिर उसको तैयार करके हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, और हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो पहली बात तो ये, कहीं लकड़ी का कोई नया दे दें आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा आपको इसमें ध्यान रखना है कि बेस्ट जो समुद्र होता है कोरल के लिए वो होता है इटली का, स्पेन का या जापान का, क्योंकि लाइट पिंक कलर से ऑरेंज कलर तक जाता है, सिंदूरी रंग तक, हनुमान जी के रंग तक जाता है ये। तो जनरली जो लाल मूंगा बताया गया है वो इसी के लिए बताया गया, सिंदूरी रंग का मूंगा लीजिएगा इटली के समुद्र वाला, वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का मानते हैं उसको। नाउ ऑन द टॉप ऑफ इट, चीजें बहुत सारी इसके बारे में बताने के लिए, ऑन द टॉप ऑफ इट कैप्सूल शेप वाला जो होता है वो असर कम करेगा। ट्रायंगल शेप में अगर आप लेते हैं त्रिकोणीय लाल मूंगा, वो असर ज्यादा करेगा। हमारी वेबसाइट पे अभी तो त्रिकोणीय है और कैप्सूल शेप में भी आपकी जो इच्छा आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं फायदा क्यों करता है। देखिए, तीन कॉर्नर्स होते हैं त्रिकोणीय, इसमें खासियत क्या होती है कि हाइट तीनों कॉर्नर्स की करीब करीब अलग सी होती है, एक जैसी हाइट नहीं होती, आप खुद नोटिस करेंगे इस चीज को। लेकिन जो तीन कॉर्नर्स बने हुए, मैं आपको रिंग में वापस दिखाता हूं ये वाली चीज, आप देखिए इस चीज को, आप देख रहे हैं तीन कॉर्नर्स को, यहां पे एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, ये तीन को कहते हैं साइंस के हिसाब से एनर्जी पॉइंट्स। तो जब आप इसको पहनते हैं, ऊपर से जो देवताओं की रश्मि आती है, देवताओं की जो कहते हैं किरणें आती है, वो सीधे इस पे स्ट्राइक करती हैं इन तीन कॉर्नर्स पे, और उसका अफेक्ट मल्टीप्लायर अफेक्ट हो जाता है। ये सिर्फ मूंगे में होता है ऐसा मान्यता है, हमने खुद ने ऑब्जर्व किया है इस चीज को, हमारे साथ वाले हमारे पंडितों ने ऑब्जर्व किया है इस चीज को, हमने खुद ने भी ऑब्जर्व किया है कि कैप्सूल के मुकाबले क्यों त्रिकोणीय लाल मूंगा सबसे ज्यादा फायदेमंद देता है। ये है, साथ में अगर आप इसको समझें तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन का वास रहता है त्रिकोण के अंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, इसलिए त्रिकोणीय लाल मूंगा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। आपके पंडित जी बोले कैप्सूल पहन लो तो कैप्सूल पहन लीजिएगा, एंटायरली अप टू यू, आपकी जैसी इच्छा है। हमारा बताना है कि आपको सही जानकारी देना, मान्यताओं के हिसाब से, हमारे प्रैक्टिकल अनुभवों के हिसाब से भी। बाकी देखिए, करना ना करना, कितना करना है, कितनी मेहनत करनी है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको थाली परोस सकता हूँ व्यंजनों के साथ में, खाना नहीं खाना तो आपके ऊपर है। चलिए, अब जो मैं लेके आ रहा हूँ वो है गोमेद, राहु का रत्न। ये भी इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके फैमिली में कोई इंजीनियर्स है, खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, और राहु की दशा तो सबको लगती है जैसे साढ़े साथ ही लगती है ना शनि की, ऐसे राहु के साथ भी होता है। राहु की दशा जब होती है, पहले एक बार रत्न देख लें, मैं तो जब बोलता हूँ तो रुकता नहीं हूँ, फिर मैं इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लिया नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में। ये देखिए, ये अब जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है गोमेद, क्वालिटी देख सकते हैं आप, पानी देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी जिसकी मैं अक्सर चर्चा करता हूँ, क्वालिटी देखिएगा। यह है स्टर्लिंग सिल्वर के अंदर जिसका निर्माण किया हुआ है, टच कर रही है आपकी फिंगर को, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ये देखिए। और इसकी कीमत है 5.25 अति की 3,931 रुपये, तैयार अंगूठी 3,931 रुपये, और 7.25 अति की 4,681 रुपये, है ना वाजिब कीमतें। हम ज्यादा मार्जिन में बिलीव नहीं करते, वेफर थिन मार्जिन बहुत है हमारे लिए। अब मैं आपको अगला दिखाता हूं, इसमें फायदे बताऊंगा आपको, अगला दिखाता हूं पंच धातु के अंदर। आपको सोने में बनवाना है तो हमसे आप क्वेरी कर सकते हैं, हम आपको सोने, क्योंकि सोने के भाव रोज बदल रहे हैं तो हम आपको सोने की एक फिक्स रेट नहीं दे सकते, हम आपको उस दिन के रेट के हिसाब से बताएंगे आपको। यह है पंच धातु के अंदर गोमेद,
क्वालिटी देखिए, ट्रांसपेरेंसी की जो मैं बात करता हूँ, पानी पानी होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का जो गोमेज होता है वो सिलोन का होता है और अफ्रीका की बेस्ट माइंस का होता है। तो इस सिलोन का लगाया हुआ है इसके अंदर, सिलोन मतलब श्रीलंका पुराने समय का। ये देखिए यहाँ पे क्वालिटी फिनिशिंग, मतलब कितनी स्मूथ। आप ब्रांडेड कंपनी से परचेस कर रहे हैं, आप किसी मतलब ये नहीं आपके कारीगर से, आपके बाबू से, आपके ज्वेलर से बनवा लिया। देखिए फिनिशिंग देखिए आप, आपने खुद ने अगर पहन भी रखा होगा ना तो आप कंपेयर कर लीजिएगा हमारी ज्वेलरी को और उनकी ज्वेलरी को, आपको फर्क समझ में आ जाएगा बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं हम राहु के रत्न की। राहु बिना सिर पैर वाला ग्रह, और कहते हैं कि राहु जब आता है, जब राहु की काल आता है, जब राहु की दशा आती है, तो सोचना समझना क्या बोलूं, मतलब सोच और समझ नहीं पाते आप चीज़ों को, करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और जाते हैं। परिवार में जहां समस्याएं नहीं होती थी वहां समस्या होने लग जाती है, बिजनेस में लॉसेस होने लगते हैं आपको, कोई नया प्रोजेक्ट आपने शुरू किया हो स्टार्टअप्स तो उसमें नुकसान होता है आपको, मतलब सोचा था आपने बहुत फायदे के लिए, होते हैं आपको नुकसान। और एक ऐसा ग्रह है ये कि अगर आप जब भी आपकी राहु की दशा हो, आप इसको तो पहने ही गोमेद को, क्योंकि गोमेद बहुत आपको फायदा देगा, उसके साथ साथ आप क्या करें, आप सिर्फ एक चीज का नशा करें, और नशा क्या होगा आपका, पैसे कमाने का। फोकस रखें एक चीज पे, पैसा कमाने का। अगर आप डिप्रेशन की तरफ चले गए, ईश्वर ना करे, या मान लीजिए आपका हार्ट ब्रेक हो गया किसी लड़की की वजह से या लड़के की वजह से, तो आप डिप्रेशन में जाने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाएगी। लेकिन अपने आप को में परिवर्तन लाएं, आप कुछ भी कार्य करें, जैसे इन्वेंशन हो गया, डिस्कवरी हो गया, खासकर इंजीनियर्स के लिए। मैंने शुरू में बोला था आपको कि इंजीनियर्स के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है राहु, क्योंकि नए से नए इन्वेंशंस करवाता है, नए से नए ये डिस्कवरीज करवाता है, और टेक्नोलॉजी से संबंधित है कि आप कुछ ऐसी चीज क्रिएट कर सकते हैं जो कि लोगों ने देखी नहीं होगी, जिसके बारे में सुना नहीं होगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जो राहु से प्रभावित होते हैं और उनका जीवन कहां से कहां पहुंच गया। मुकेश अंबानी जी को आप देख लीजिए, ओशो को आप देख लीजिए, अमिताभ बच्चन साहब को आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी महेंद्र सिंह धोनी को आप देख लीजिए, विराट कोहली को देख लीजिए, इन जो ये लोग जो भी चमके राहु की दशा में चमके, क्योंकि राहु की दशा जब थी तो इन्होंने सत्कर्म से कार्य किया और अपना फोकस किस एक चीज पर लगाया, सिर्फ धन कमाने का। सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, देखे कभी भी गलत तरीके से धन मत कमाइएगा, झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि ये देवताओं के रत्न पहन रहे हैं आप। तो आप सोचिए कि जितना आप गलत करेंगे उतना गलत वो होता जाएगा आपके साथ। आप सोचेंगे फायदा नहीं हो रहा, मैंने तो अच्छे से अच्छा पहन लिया, और भी महंगा पहन लिया, और भी महंगा पहन लिया, क्यों नहीं फायदा हो रहा, और फायदा होगा कैसे, थोड़ा आप भी तो समझिए इस चीज को। आप कुछ भी पहन लें, आवरण कुछ भी पहन लें आप, लेकिन अगर आपका मन ही पवित्र नहीं है तो आप कैसे फायदा करेंगे। रत्नों को आपकी बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज होने में भी समय लगता है, तो जनरली 2 से 3 महीने का वक्त लगता है सिंक्रोनाइज करने में। तो सिंक्रोनाइज होने के बाद फिर आप देखिएगा इनका फायदा, और खासकर इंजीनियर्स के लिए और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए जिनको कोडिंग के हिसाब से नई नई चीजें बनाने की एक धुन सवार रहती है, वो धुन रखिएगा अपने आप में। एक नशा कर लीजिए, कुछ नया करना है, कुछ इन्वेंट करना है, कुछ नया करना है, कुछ पैसे कमाने, तो राहु आपको इतना फलदायी हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो मैं वापस सावधान कर देता हूं आपको इस चीज के अंदर कि आपको उस दौरान क्या करना है, अपने आप को म्यूजिक की तरफ डाइवर्ट कर देना है। कुछ भी हॉबी, एनी क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कुछ भी क्रिएटिव करें, डांस करें, म्यूजिक करें, हॉबी करें, कार्ड एम्ब्रॉयडरी करें, जो भी बागवानी कर लें, और कुछ नहीं तो उसके साथ साथ अगर राहु की दशा है तो अपने घर के बाथरूम को जरूर साफ करें, खासकर टॉयलेट को, वो आपको बहुत ज्यादा फलदायी देगा। ये जो रत्न मैं आपको, राशि रत्नों की अंगूठी आपको बता रहा हूँ, ये सारे उपाय तो आप देखिए कभी कर पाएंगे कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन रत्नों को जब आप पहनते हैं और जेन्युइन राशि रत्नों की अंगूठी के पहनते हैं तो फायदे मिलते ही हैं। ये सब मान्यताएं हैं जो मैं आपको फायदे बता रहा हूँ इन सबके। तो ये सारी, इसके साथ साथ मोती की भी है, मोती अगर आपको गुस्सा आ रहा हो तो उस दौरान मोती पहनते हैं, वो वेबसाइट पर उपलब्ध है। मोती की एक है कैट्स आई लहसुनिया की, वो अंगूठी भी है, तो वो चाहे तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे इस एंटायर शो का मतलब है आपको नई से नई चीज दिखाना, खासकर राशि रत्न, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आ रही थी। लूज राशि रत्न तो हम आपको देते ही हैं हमारी वेबसाइट vibrancies.com से, जहां आप राशि रत्न के सेक्शन में जाके आप अलग अलग रत्न ले सकते हैं। पुखराज आपको चाहिए, पन्ना, माणक हो गया आपका,
जरकन हो गया, गोमेद हो गया, आपका फिरोजा हो गया, आपका नीलम हो गया, अलग अलग तरह के रत्न, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे रत्न। तो बहुत डिमांड थी कि अब आप अंगूठियां तैयार करके दे दें। तो हमने कहा क्यों नहीं आपके लिए तैयार कर दें, आप लोगों का प्यार ही है। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, और भी कुछ आपको जानकारियां दे रही हैं तो हमसे शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। हम आपको एक से एक कमाल की जानकारियां देते रहेंगे, लेकिन जो देंगे वो सही देंगे, इस चीज को मानिएगा। थैंक यू वेरी मच, मेरा नाम अरिहंत और बहुत जल्दी आपसे वापस मिलूंगा। धन्यवाद।